अस्सलाम वालेकुम फाइव क्लास, कैसे हैं बेटा? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। जी बच्चे, आज हमारा फुदर गुदर चैप्टर है। क्वेश्चन नंबर वन देखें, फुदर गुदर के बारे में कोई हदीस तहरीर करें, उसमें इसमें इसका आंसर देखें। अल्लाह ताला अपने बंदे पर बहुत मेहरबान है, अगर कोई शख्स गुनाह कर बैठे और अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे तो अल्लाह ताला से माफ़ कर देता है। इसी हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अगर कोई शख्स तमाम रुए ज़मीन को अपने गुनाहों से भी भर कर भी अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे तो अल्लाह ताला इसे माफ़ फरमा देता है। उसके बाद देखें, अफूदर गुजर के बारे में उस पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करें, इसका आंसर उसी पेज पे, पेज नंबर 56 पे देखें, लास्ट पर पैराग्राफ में, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफूदर गुजर का पैकर था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी अफूदर गुजर का कामिल नमूना थी, का मुकम्मल नमूना थी। अहले मक्का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने दुश्मन थे, इनके जुल्म सितम की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा चले गए। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल की साजिशें भी की मगर जब मक्का फतह हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी से बदला ना लिया, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको माफ़ कर दिया। उसके बाद है बुर्दबारी का मफहूम बयान करें, ठीक है, इसका सवाल नंबर 3 का आंसर देखें। बुर्दबारी फारसी जबान का लफ्ज़ है, किसी की नादानी जहालत और नागवार बातों को हौसलामंदी से बर्दाश्त करना बुर्दबारी कहलाता है। बुर्दबारी मुत्तकीन की सीरत अदा फरमाता है, मुत्तकीन गुस्से को रोकते हैं, लोगों के कसूर माफ़ करते हैं। सवाल नंबर 4 देखें, बुर्दबारी के हवाले से ज़िंदगी से चंद मिसालें दें, तो उसमें देखें उसी के नीचे सवाल नंबर 3 के नीचे वाला जो पैराग्राफ है वो सवाल नंबर 4 है उसका आंसर। और क्या हमें ज़िंदगी के हर मामले में फुदर गुदर और बुर्दबारी से काम लेना चाहिए? इसी पेज पे ऊपर देखें लास्ट वाले पैराग्राफ में, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लम के सहाबा किराम ने हमेशा गैर मुस्लिमों के मामले में बुर्दबारी से काम लिया, यही तरीका हमारे दीगर साहब का भी रहा है। हमें भी ज़िंदगी के हर मामले में फुदर गुदर और बुर्दबारी से काम लेना चाहिए। ठीक हो गया बेटे? देखें मैं साथ में हर जगह सवाल करवा देती हूँ। अफूदर गुजर अल्लाह ताला की सिफत है, बेशक अल्लाह ताला माफ़ करने वाला बख्शने वाला है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफूदर गुजर का पैकर थे, जब मक्का मुकरमा फतह हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी से बदला ना लिया, अहले मक्का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने दुश्मन थे, ठीक है। इसके बाद देखिए कॉलम सॉल्व आउट हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद जो है इसके MCQs हैं, वो आप लोगों ने खुद सॉल्व आउट करने हैं, ठीक है। बाकी सारा मैं सॉल्व आउट करवा दिया है, आप लोगों ने हाल ही जगह लिखी नहीं है, बाकी आप लोगों ने सारा याद करना है इसका।